Om Adhyanati Mirandasya Jnananjan Shalakya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurve Nama Vancha Kalpatru Bhesha Kripa Sindhu Bhaivcha Patitanam Pavne Bhayo Vaishna Bhayo Namo Nama Namo Mahavadanaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanami Gaurat Vishaya Nama Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radhaka Namasute Vrindaya Tulsi Devi Priyaya Keshvasacha Vishnu Bhakti Parde Devi Satyavate Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Brihad Bhagavatam is katha ko aage badhate hue pichli bar humne yahan pe vishram diya tha kis prakar Yashoda Maya Nand Baba aur gopiya vyakul hoti hain जब कृष्ण गोचारण के लिए निकलते हैं उनके पीछे पीछे वन में चलती हैं काफी आगे तक प्रभु बार-बार विनती करते हैं और उन्हें वापस लौटाते हैं फिर कोई ना कोई शिक्षा देने के लिए उनके पास आ जाती हैं कि रोटी बराबर खा लेना इधर जंगल में ज्यादा नहीं घूमना धूप में नहीं जाना बार-बार उन्हें शिक्षा देती हैं प्रेम के बहुत स्नेह अधिक उनके हृदय में उमड़ रहा है प्रभु ने बलपूर्वक उन सबको वापस भेजा है और गोपियों को तो पीड़ा ही हुई है भगवान के विरह के कारण और कृष्ण को भी बहुत पीड़ा हुई है अब आगे कथा क्या होती है एंड एज हिज कंपेनियंस पॉइंटेड आउट द स्प्लेंडर ऑफ वृंदावन उनके सखा जो वृष की महिमा का ऐश्वर्य का वर्णन करे हैं एंड एज ही डिस्क्राइब देम हिमसेल्फ एंड सपोर्टेड हिज प्रेज विद लॉजिक और खुद प्रभु उसका वर्णन करते उसकी महिमा गाते हैं He was more or less free from distress प्रभु जो हैं पीड़ा से रहित हो गए जब पे सखाओं के साथ विष की महिमा गाते हुए His wandering then with his cowherd boys and the state of ecstasy all creatures thereby advised achieved मैंने सारे जितने भी जंतु थे पशु पक्षी और उनके जो सखा थे एक अलग भाव की अनुभूति उनको हो रही थी द मूविंग एंड द नॉन मूविंग चल और अचल दोनों यानी पेड़ पौधे अचल अचल यानी मनुष्य पशु पक्षी वगैरह वन कैन नॉट कंसीव ऑफ हिज ऑफ दिस इवन बाय मेडिटेशन इन द हार्ट यानी जिस रस की अनुभूति वो कर रहे थे जो दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे थे मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता वो क्या रस है वो क्या दिव्यता है हाउ देन कैन द टंग डिस्क्राइब दिस टू एनीवन एल्स कहते वाणी से तो उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता इन द प्लेसेस अराउंड गोवर्धन हिल ही एंजॉयड टेंडिंग द काउज एंड मेकिंग देम ड्रिंक वाटर फ्रॉम द यमुना तो कहते हैं गिरिराज जी के वे जब गए वो उन्हें बड़ा आनंद उधर गोचारण करा रहे थे और उनसे यमुना जी का जल पान करा रहे थे एंड एज इवनिंग अप्रोच जैसी शाम होती है द लॉर्ड ऑफ व्रज रिटर्न टू हिज कॉहर्ड विले भगवान अपने घर लौट जाते हैं नंद गांव में एंड लेटर प्लेट विद व्रज यंग गर्ल्स और रात को उनके साथ गोपियों के साथ रास रचन करते हैं दो द कैपिटल ऑफ द ऑपुलेंट किंग ऑफ द कॉहर्ड शाइन्स फोर्थ इन द रीजन कॉल नंदीश्वर तो कहते हैं उसका जो ऐश्वर्य है बहुत अद्भुत है नंदगांव का द ब्रज वासेज इन ट्यून विद कृष्णा लाइकिंग ब्रजवासी जो हैं कृष्ण के मन के अनुसार ऑलवेज थिंकिंग मोर हाईली ऑफ हिज प्लेजर पास टाइम इन द ग्रोव एंड अदर प्लेस इन द फॉरेस्ट चिंतन करते हुए कृष्ण की लीला को किस प्रकार कृष्ण आनंद लेते हैं कुंज के अंदर और जंगल में उसका चिंतन करते हुए
O Brahman, the satisfaction and ecstasy one tastes from living in Golok Vrindavan, कहते जो तृप्ति और आनंद की अनुभूति होती है गोलोक वृंदावन रहने से आप बियॉन्ड डिस्क्राइबिंग कहते वो वर्णन से परे है तो व्हाट कैन दे बी कंपेयर्ड यानी उसके तुलना किसी से नहीं की जा सकती यानी वैकुंठ से भी उसकी नहीं तुलना की जा सकती है बिकॉज डिवोशन सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड इज सो वंडरस क्योंकि भगवान की भक्ति जो है अद्भुत है Those who truly know say that the residents of Vaikunth taste a happiness much greater than that of male liberated soul. कहते जिसने इसकी अनुभूति की है कहते हैं जो वैकुंठ वासी जिस दिव्य सुख और आनंद की अनुभूति करते हैं वो मुक्त जीवों से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है मुक्त यानी जो भगवान के दिव्य ज्योति में समाते हैं वो जो सुख की उसको अनुभूति होती है उसे अनंत गुना सुख की अनुभूति होती है वैकुंठ में जहाँ पे प्रभु का सानिध्य होता है वहाँ पे रस की प्राप्ति भी होती है एंड द हैप्पीनेस ऑफ सोल हु रिजाइड इन प्लेसेस अयोध्या एंड द्वारका इज सेट टू बी इवन ग्रेटर बिकॉज ऑफ सर्टन वेरियस स्पेशल टेस्ट कहते वैकुंठ के ऊपर आप जाइए किधर अयोध्या और द्वारका वैकुंठ के ऊपर अयोध्या उसके ऊपर द्वारका वहाँ पे जो रिस रस की अनुभूति होती है वो वैकुंठ के रस से भी अनंत गुना श्रेष्ठ है बट द हैप्पीनेस ऑफ द रेजिडेंस ऑफ गोलोक फार एक्सीड एनी अदर और गोलोक का जो सुख और रस है वो अयोध्या और द्वारका से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है यानी गोलोक के समान जो सुख है वो केवल गोलोक में ही अनुभव किया जाता है और किधर भी नहीं है हाईएस्ट प्लेस उसी को माना गया है उसके ऊपर और कुछ नहीं है इट ट्रांसेंड्स रीजन सो हाउ कैन इट गिव रूम फॉर वर्ड्स कहते हैं ये बुद्धि से परे है तर्क से परे है तो किस प्रकार हम शब्दों में उसकी व्याख्या कर सकते हैं Only those who live in Golok and always perceive that happiness know its true nature. कहते जो गोलोक में रहते हैं और उस सुख की जो अनुभूति करते हैं वही वास्तव में समझते हैं Because the Lord has such friendly feelings towards them. क्योंकि भगवान का उनके प्रति सख्य भाव है गोपियों के प्रति मधुर और सख्य भाव है तो उस जो रस वहाँ पे जो मिलता है अन्य स्थान में वो रस नहीं मिलता है जस्ट एज द डेमिगॉड्स हु हैव एंटर्ड द मटेरियल क्रिएशन आर काउंटर पार्ट्स ऑफ द लॉर्ड्स वैकुंठ एसोसिएट्स तो कहते जिस प्रकार देवता जो हैं जो इस प्रकृति के अंदर प्रवेश कर गए हैं और भगवान के जो संग है उन्हीं के अंश हैं Those eternal associates from Vaikunth are incarnation of Golok devotees. जो नित्य जो भगवान के संगी है वैकुंठ के वो वास्तव में गोलोक के भक्त ही है Yet like the demigod themselves, those very devotees appear on the now and again. For the pleasure of Lord Vishnu, when he wants to enjoy various pastimes, तो कहते हैं उसी पर जो देवता हैं ये आते हैं इस धरातल पे बार बार क्यों आते हैं क्योंकि भगवान जो अवतार लेते हैं उनकी लीला में सहायता करने के लिए आते हैं उन्हें सुख प्रदान करने के लिए आते हैं कमेंट्री में क्या लिखते हैं सम से दैट मैनी ऑफ द व्रजवासी हु अपियर्ड ऑन अर्थ During Krishna pastime 5000 years ago were incarnation of demigods. कुछ लोगों का कहना है कि जो ब्रजवासी आए थे धरातल पे कृष्ण लीला के समय 5000 साल पहले वो कौन थे वो देवता थे नंद महाराज फॉर एग्जाम्पल इज सेट टू बी अवतार आदि वसु नेम द्रोण तो नंद बाबा कौन है वो वसु जो जिनका नाम द्रोण है उनके अवतार हैं इफ टेकन लिटरली अगर इसको एज इट इज समझते हैं दिस आइडिया वुड रूल आउट द पॉसिबिलिटी
that earthly Vrajvasis are eternal associates of the Supreme Lord. अगर इस अर्थ में लेते हैं तो उसे शंका हो जाती है कि वो भगवान के नित्य संगी कैसे हो फिर. But the truth is just the opposite. लेकिन सत्य कुछ और है. As confirmed in the scripture such as पद्मपुराण उत्तरखंड, यानी पद्मपुराण उत्तरखंड में क्या लिखा है, demigods like drone are partial expansion of the original Vrajvasis. तो जो देवता जो हैं जैसे द्रोण वगैरह हो गए जो अवतार लेते हैं, कहते ब्रजवासियों के विस्तार है, यानी ब्रजवासी ने अपना विस्तार किया, एक शरीर से दो रहते हैं, दूसरे शरीर से भगवान को सुख पहुंचाने के उनकी लीला में सहयोग करने के लिए वो आते हैं. तो यानी जो जो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, धामवासी होते हैं, वो अपने शरीर को कई जगह पे विस्तार कर सकते हैं, कई रूप बना सकते हैं. जैसे नारद जी वैकुंठ मिलेंगे, नारद जी गोलोक मिलेंगे, नारद जी अयोध्या भी मिलेंगे, नारद द्वारका में एक ही समय अलग अलग शरीर से अपने शरीर का विस्तार करके कई स्थानों पर हो सकते हैं, ये उनमें क्षमता होती है. And those original Vrajvasis accompany Krishna when he descends. जो मूल ब्रजवासी हैं वो कृष्णा के साथ आते जब वो धरातल पे आते हैं. Gopra Nand another devotee in Golok expand as avatar in Vaikunth to become Shri Nand and other associates of Lord Narayan. कहते हैं Gopra Nand और अन्य जो भक्त होते हैं गोलोक में वो अपना विस्तार करते हैं अपने यानी अवतार वैकुंठ में. किस प्रकार, बाय बिकमिंग टू बिकम श्री नंद एंड अदर ऐसे लॉर्ड नारायण. तो कहते हैं वहाँ पे नंद और उनके संगी बन जाते हैं नारायण के. द सेम डिवोटी डस एंजॉय पास टाइम इन टू वर्ल्ड सेमड गोलोक एंड वैकुंठ. तो वो वैकुंठ में और गोलोक में दोनों जगह रस की अनुभूति करते हैं, एक शरीर से गोलोक में रहते हैं और एक शरीर से वैकुंठ में रहकर और उसकी अनुभूति करते हैं. एंड सो इट वुड बी इनकरेक्ट टू असर दैट बिकॉज द वैकुंठ एसोसिएट्स ऑफ नारायण आर अवतार दे आर नॉट एटर्नल. तो ये कहते हैं अनुचित होएगा कहना कि जो वैकुंठ के जो संगी हैं नारायण के आर अवतार दे आर नॉट एटर्नल, वो अवतार है वो नित्य नहीं है. द सेम एसोसिएट लॉर्ड नारायण एक्सपेंड अगेन इन टू दी मटेरियल टू बिकम डेमिगॉड, यानी वही जो उनके जो देवता हैं जो उनके संगी है नारायण के वो विस्तार करते देवता बनते हैं. दिस वॉज कॉल्ड दोज डेमिगॉड्स प्रति रूपा यानी काउंटर पास रेदर देन अवतार, यानी उन्हीं का स्वरूप है दूसरा, ये वो अवतार नहीं है, वो आए नहीं है, उन्हीं का स्वरूप है, स्वरूप तो वास करते हैं. Because the demigods are materially conditioned living beings, still those demigods are empowered to represent or the Supreme Lord's personal associates. तो कहते हैं भले देवता इस संसार के अंदर आते हैं संसारी क्रिया करने के लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो वो भगवान के जो संगी है उन्हीं के विस्तार है, इसलिए भगवान के कृपा के पात्र हैं. In the next few verses, Shri Swarup will describe the incarnation of the Golok Vasis as parallel to Krishna's incarnation. अगले कुछ श्लोकों में वही गोकमा जो अभी स्वरूप बन चुके हैं उधर जाने के बाद वो वर्णन करेंगे अवतारों का जो गोलोकवासी है और कृष्ण के अवतार कैसे एक साथ होते हैं. That is just a Krishna अवतार are non different from him. कृष्ण के जितने भी अवतार है भगवान से अभिन्न है. The earthly associates of Krishna are not different from the original Golokvasi. जब भगवान के संगी इस धरातल पे आते हैं वो भी भगवान से अभिन्न ही, भगवान के उन सखाओं से या भगवान से अभिन्न होते हैं, उनमें कोई भेद नहीं होता. And just as the incarnation of Krishna, the source of all incarnations, तो कहते हैं कृष्ण से सारे अवतार उत्पन्न हुए हैं, कृष्ण ही अवतार ये सबके मूल हैं, उनसे सारे अवतार हुए हैं, आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम, वो सारे अवतार भगवान से अभिन्न हैं. इससे एक कोई भी अवतार की निंदा या उनकी कथाओं की निंदा
ही वास्तव में कृष्ण की ही और कृष्ण की लीला की ही निंदा है, क्योंकि कृष्ण ही राम बनते, कृष्ण ही शुक्र बनते, कृष्ण ही मत्स्य बनते हैं, कृष्ण ही नरसिंह बनते हैं, कृष्ण ही विष्णु बनते हैं। तो आप कैसे किसी लीला की निंदा कर सकते हो? क्या आपके कृष्ण की लीला की निंदा नहीं हुई? अगर एक भी अवतार आपसे क्रोधित हो गए तो कृष्ण भी आपसे क्रोधित हो जाएंगे, वो भी आपसे चिढ़ जाएंगे। इसलिए जीव कोई भी लीला का आश्रय ले, वो जिस भाव से उस लीला को पढ़ता है उस लीला से वो उस भाव में पहुंच जाएगा। जैसे जब ये स्वरूप जो गोप कुमार थे स्वरूप के रूप में, सॉरी गोप कुमार थे, जब वो राम जी के लोग अयोध्या गए, उनकी इच्छा थी गोलोक जाने की, क्योंकि राम जी इतने दयालु, दूसरे का दुख नहीं देख सके, कहते थे इच्छा गोलोक कृष्ण के ग्वाले के रूप में रहने की है, तो वो उन्होंने अपनी कृपा से उनको आगे भेज दिया। यानी राम के आश्रय लेके भी ही जीव गोलोक पहुंच सकता है अगर आपकी इच्छा है। ये नहीं सुनना कि हम राम की पूजा करते हम गोलोक नहीं पहुंच सकते, ये प्रमाण इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि गोकुमार किस प्रकार राम जी का आश्रय लेके गोलोक तक पहुंचे। मैं क्या, हमें कोई भी एक अवतार लीला में आसक्ति करनी है, भाव भले जो मर्जी रखे उस भाव के अनुसार हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम द इनकार्नेशन ऑफ द गोलोक वासिस, द रेजिडेंस ऑफ गोलोक आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम देम। तो उसी प्रकार जो गोलोक वासी जो अवतार लेते हैं वहाँ के जो लोग हैं सब वो सब अपने अभिन्न ही तो माने जाते हैं, जो वहाँ पे रहते हैं उनके विस्तार ही है। द गोलोक वासिस आर बॉर्न समटाइम एज पार्शल एक्सपेंशन एंड समटाइम एज द फुल सेल्फ। तो कभी वो आंशिक रूप से अवतार लेते हैं, विस्तार करते हैं, या पूर्ण स्वयं आ जाते हैं कभी। लाइक कृष्ण दे वेरी देयर अपीयरेंस फॉर द टाइम प्लेस एंड नीड। कृष्ण की तरह जहाँ पे किधर आवेश अवतार होता है, किधर शक्ति अवतार होता है, किधर अंश अवतार होता है, किधर स्वयं पूर्ण रूप अवतार होता है, उसी प्रकार उनके जो पार्षद हैं वो भी उन्हीं के अनुसार आंशिक रूप से पूर्ण रूप से स्थान समय और स्थान के अनुसार वो भी अवतार लेते आते हैं, जैसे भगवान चाहते हैं जैसे वो आते हैं उनके अनुसार उनके भी विस्तार आते, उनके जो पार्षद है वो भी वैसे आते हैं। दस कृष्णस कंपेनियन इम्पेल्ड बाय देयर ओन मूड्स और लविंग एक्सचेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम वांट टू डिसेंड समवेयर विद द लॉर्ड। तो कृष्ण के जो संगी हैं, क्योंकि उनके भाव के हैं भगवान से प्रेम करना, उन्हें सुख पहुंचाना, कहते समय समय पे वो भी अवतार लेते आते हैं अपने प्रभु के साथ उनकी लीला में सहायता करने के लिए और उसको सुख प्रदान करने के लिए, दोनों चीज। When devotees who live with Krishna in Golok, जो भक्त कृष्ण के साथ गोलोक में रहते हैं, appear to merge on some pretext into their own expanded incarnation, तो कहते हैं कैसे कई बार दिखा गया तल्लीन हो जाते, एक में मग्न हो जाते, यानी मर्ज हो जाते हैं, वो एक रूप दूसरे रूप में मर्ज हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। कई बार ऐसे दिखाई दे on some pretext, कोई कारण से into the own expanding incarnation, this is just like the merging of Krishna's expansion with him। जैसे कृष्ण का जब विस्तार राम है, बाद में वो कृष्ण में समा जाते हैं, फिर वही कृष्ण जो है नरसिंह बनते हैं समय के अनुसार, फिर कार्य के बाद फिर वो कृष्ण में समा जाते हैं, उसी प्रकार उन जैसे सारे अवतार कृष्ण निकल के कृष्ण में समाते हैं, उसी प्रकार उनके जो सखा होते हैं या उनके पार्षद होते हैं वो भी विस्तार करते हैं और बाद में वो भी अपने मूल में समा जाते हैं वो गोलोक में। When sages tell us, therefore that expansion of Krishna associate descend to become the original associate, जब ऋषि लोग कहते हैं that is expansion of Krishna associate, जो कृष्ण के विस्तार हैं अवतरित होते हैं to become the original associate, what they mean is that the expansion merge into the original, तो मतलब वो क्या उनका अभिप्राय क्या होता है कि वो ओरिजिनल बनना चाहते हैं, कि जैसे भगवान के धाम में होते वैसे बनना चाहते हैं, मतलब क्या कि वो उनमें तल्लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं
वो ये उसका उनका भी प्राय होता है। All this and everything else about Golok, please try to understand in this way. यानी ये और अन्य बाकी चीज़ें गोलोक के विषय में हैं, उसे समझने का प्रयास किए। Without doubt or confusion, उस पर कोई संदेह नहीं रखना न विक्षेप रखना। Comprehend it according to the philosophical conclusion taught by Narad as spoken of before. यानी उसको जो नारद जी ने हमने पढ़ चुके हैं पहले, जिस प्रकार हमें समझाया था फिलॉसफी का कंक्लूजन जो थे कि भाई जितने अवतार है भगवान से ही है, भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, लास्ट में सब भगवान में समाते हैं, जिससे कोई भी अवतार में भेद नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार हमें इन भक्तों में भी कोई भेद नहीं करना चाहिए। वो गोलोक से आते हैं और वो जिनकी इच्छा होती है भगवान के की उनके निजी सेवा करने की, वो समा जाते हैं अपने ओरिजिनल में कार्य पूरा करके। और बेस्ट ऑफ मथुरा ब्राह्मण, मथुरा ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, लिसन एंड बाय द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ कृष्णा आई विल टेल यू मोर अबाउट द ग्रेट वंडर ऑफ दैट प्लेस। कृष्ण के प्रभाव से मैं आपको वर्णन करूंगा कि वहां की जो अद्भुत चीजें हैं आपको मैं वर्णन करने चला हूं। Every one of the millions and millions of cohort, the children, young people, elders think I am most dear to Krishna. कहते करोड़ों अरबों ग्वाले हैं, उनके बच्चे हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब यही सोचते हैं कि I alone am most dear to, मैं ही कृष्ण का अति प्रिय हूँ। और कृष्ण वैसे व्यवहार भी करते हैं और सबको ही लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं और मैं ही सबसे ज़्यादा कृष्ण से प्रेम करता हूँ। जस्ट एज द प्योर वे दे बिहेव टुवर्ड्स कृष्णा ऑलवेज कन्फर्म दिस एक्सट्रैक्टिव मेंटेलिटी। जिस प्रकार शुद्ध तरीके से उनका कृष्ण से व्यवहार होता है, वो व्यवहार से पता चलता है वो किस प्रकार भाव में डूबे हुए हैं। सो डज द वे ही बिहेव्स टूवर्ड्स एवरी वन ऑफ देम। अब भगवान भी उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं उसे पता चलता है, वो उनसे कितने ज्यादा प्रेम करते हैं। येट नॉट वन ऑफ देम बिकम सेटुएटेड, फिर भी कोई भी तृप्त नहीं होता। प्रेम की विशेषता यही होती है और चाहिए और चाहिए और सेवा करूँ और सुख पहुँचाऊँ, उसमें तृप्ति कभी नहीं होती। यही तो कंपटीशन रहता है, भक्त भगवान को सुख पहुँचाना चाहता है और सेवा करना चाहता है और भगवान भक्त को सुख पहुँचाना चाहते हैं, वो उसकी सेवा करना चाहते हैं और ये चीज़ बढ़ती रहती है, कभी ख़त्म नहीं। दोनों में कॉम्पिटिशन रहता है कि एक दूसरे को सुख पहुँचाने का। स्वार्थ बुद्धि किसी के अंदर नहीं है, स्वार्थ इस संसार के अंदर कि मुझे क्या सुख मिलेगा या मुझे क्या मिला या उससे मैं कैसे फ़ायदा उठाऊँ, ये स्वार्थ बुद्धि संसार के अंदर है। भगवान के धाम में सुख प्रदान करने के भाव है कि भगवान को कैसे, प्रेम की यही विशेषता है, प्रेम में यही होता है कि सुख प्रदान करना। सेम स्वार्थ में क्या होता है, मुझे क्या सुख मिले, तो ये स्वार्थ और प्रेम में बहुत अंतर होता है। जब पे अपने इंद्रियों को सुख पहुंचाने की बात होती है उसे काम वास्ता कहते हैं, स्वार्थ कहते हैं, और जहाँ पे भगवान को प्रसन्न करने की, उनके इंद्रियों को सुख पहुंचाने की बात होती है, उसी को वास्तव में प्रेम कहते हैं। चाहे मुझे कष्ट भी मिले, उस कष्ट में भी मुझे आनंद आ रहा है आपके कृष्ण की सेवा करने में। चाहे मुझे कष्ट भी मिले, उस कष्ट में मुझे कष्ट लग रहा क्योंकि मेरा प्रियतम खुश है, उससे मुझे बहुत खुश हो रहा है। ये भाव वास्तव में भक्तों के होते हैं गोलोक में। तो इसमें कभी भी तृप्ति नहीं होती है क्योंकि इसका लगता है मुझे और करना, मैंने कुछ नहीं किया। ये भाव ही वास्तव में हमें भगवान के और करीब लेके जाता है। जहाँ पे आ गया मैंने बस किया और कुछ करना बाकी नहीं रह गया, और जैसे भक्ति बढ़ती है प्रेम बढ़ता है तो हमें क्या लगता है, प्रेम हो ही नहीं रहा, प्रेम ही नहीं जीवन में, बिल्कुल मैं बिल्कुल बेकार हूँ, कुछ तड़फन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हो रहा, छोड़ दो माला, मत करो, नहीं नहीं छोड़ा जाता, कथा मत हो, नहीं कथा नहीं जाता, चैन नहीं मिलता, फिर कहते भी प्रेम नहीं है और फिर उससे रहा नहीं जाता, इसका मतलब कि प्रेम है।
अगर ये भाव आ गया कि और नहीं चाहिए मेरे को, सब आ गया, तो अहंकार रहेगा और अहंकार ईश्वर से दूर करेगा। ये अभाव की स्थिति बनी रहेगी, तभी आप भगवान के करीब रह पाओगे, तभी आप शरणागत रहोगे। नहीं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते भक्त के अंदर पूर्णता का भाव आए। जहाँ पे पूर्णता का भाव आएगा वहाँ पे अभिमान आएगा और उसको दूर हो जाएगा, उसका पतन होएगा। इससे जितने भी भक्ति बढ़ेगी वहाँ में हमेशा अभाव की स्थिति बनेगी, वहाँ पे अच्छी दैन्यता आएगी। यार क्या कर, पता नहीं इतने 30 साल हो गए भजन करे, कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा, ये भाव बने रहेंगे और भजन भी बढ़ता रहेगा और साथ में भाव बने। और यही लक्षण है कि आप भक्ति में उन्नति कर रहे हो। और जो लोग कहते हैं बहुत 10 मालों की बड़ा बढ़िया चल रहा है, 16 हो गए, 20 हो गए, और जरूरत ही नहीं है, मैं खुश हूँ, इसका मतलब कि उसने तो कभी कदम रखा ही नहीं है। जहाँ पे भाव आ जाते कि मैंने बहुत कर लिया, बहुत बढ़िया चल रहा है, उसको लगता है मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। इसलिए कहते हैं दैन्यता पहला लक्षण है, बगैर दैन्यता के पूर्व मिलते नहीं है। और भक्ति बढ़ती तो दैन्यता आती, जिसकी भक्ति एकदम कम है उसके अंदर अभिमान है और अभिमान पतन करके और ले जाता है। और जिसके अंदर दैन्यता होगी तो सहन की शक्ति भी होगी। जो मनुष्य सहन नहीं कर सकता वो दीन ही नहीं। हम लोग केवल श्लोक को रट लेते हैं, तना दोपी सुने चंद, उसको रियलाइज नहीं करते हैं, इसी कारण से हमारा को तकलीफ हो रही है। श्लोक रटने से क्या हो गया, अगर जो आप तुम से भी तुच्छ मानते हो, तो जब मैं आपकी निंदा करता, आपकी गाली दे रहा हूँ, तो आप मान लो कि आपके अंदर गुण, आप खुद ही तो कह रहे हो मैं बेकार हूँ, तो उसने कह दे तो आपको चढ़ने की जरूरत क्या, क्रोध होने की जरूरत क्या, फिर क्यों कहते, तू ऐसे कैसे मुझे बोल सकता है, उन्हें ऐसे कैसे किया, अभी तो आप बोलता हूँ मैं सबसे बेकार हूँ, तो छो तेना तो पीछे चंद आप दिखा रहो। यानी हम केवल शब्दों के द्वारा बोलते हैं, उसकी कोई हमें रियलाइजेशन नहीं है। जिसके अंदर रियलाइजेशन होगी वो अनुभव करेगा, वो सहन करेगा और बोलेगा हाँ मेरे अंदर अवगुण है, मैं मान रहा हूँ, इतने लोगों ने कह दिया मेरे अंदर अवगुण है, बात सही है। फिर प्रभु से प्रार्थना करेगा, प्रभु राम नाम जपने के बाद अगर मेरे इतने अवगुण है तो कल राम नाम लोगों को जपेगा नहीं, प्रभु तू बता कि भी राम नाम के क्या गुण, राम नाम कितने गुणवान होते हैं। फिर प्रभु की सरदर्दी है राम नाम की महिमा बढ़ा, लोग बोलेंगे देखो राम नाम जपते वाले सारे अवगुण ही होते हैं, वो तो ही दिख रहा कि राम अवगुणी, तो राम नाम कौन जपेगा, कोई नहीं जपेगा, तो प्रभु चाहते लोग जपे, तो उसको अपने भक्तों गुणवान बनाना ही पड़ेगा। आप क्यों चिंता करते हो कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, आपका एक ही चिंता होनी चाहिए, हमारी एक ही समस्या होगी कि मेरा भजन कैसे बढ़े, किस तरीके से बढ़े, यही हमको चिंता होनी चाहिए। बाकी इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, इसने ये कर दिया, ये सारी तुच्छ वस्तुएं हैं, तुच्छ चीजें हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये चिंता नहीं है भजन बढ़ाने की। इसे छोटी छोटी बातों में हम अटक रहे हैं और यही अटकना भगवान के पास लमें सबसे बड़ा बाधक बन रहा है। नहीं तो संसार में कोई जितनी भी छोटी छोटी बातें उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम छोटी चीज पर तो बड़ी चीज क्यों नहीं पकड़ो, बड़ी चीज क्या कि प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है, कब मैं प्रभु के लिए वियोग और विरह की अनुभूति करूंगा, कब मैं उसके लिए रोऊंगा, क्यों नहीं मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा। लोग 3-3 लाख करते हैं, मेरे से 1 लाख भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है, मेरी माला क्यों नहीं बढ़ रही है, मेरे को कथा क्यों नहीं बढ़ रही है। ये जब चिंता बढ़ती है तब जाके पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करो, लेकिन हम छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके बैठे हैं और ये जो बड़ी प्रॉब्लम भगवान का प्रेम प्राप्त है इसमें कोई नहीं उलझना चाहता। हमें बहुत कुछ देखना, बहुत कुछ सुनना अच्छा लगता है, लेकिन कथा सुनना अच्छा नहीं लगता, भगवान को देखना अच्छा नहीं लगता। हमें सब कुछ याद है लेकिन कथा याद नहीं है, तो आप महामूर्ख हो। जिसको कथा नहीं याद, संसार की बातें याद है, वो महामूर्ख है। संसार के दे बुद्धिमान हो सकता है लेकिन है महामूर्ख। The love shows a thirst that is the mother of sheer humility. उनके अंदर प्यास उत्पन्न होती है, प्रेम की प्यास, और उनमें दीनता होती है। दैट इज द मदर शेयर ह्यूमिलिटी। यानी दीनता होगी तो प्रेम होएगा,
and that simply goes stronger, stronger. दीनता दैनता और बढ़ती ही रहती है उनके जीवन में, और दैनता बढ़ती रहती, प्रेम भी बढ़ता है, दैनता भी बढ़ती है. दैनता और प्रेम ये दोनों ही सबसे जरूरी है भगवान को प्राप्त करने के लिए, और अभिमान बिल्कुल नहीं. Still it is towards each of the gopis in the millions and millions that Krishna always clearly shows the greatest attachment, compassion and love. फिर भी कृष्णा हर गोपी को जो करोड़ों अरबों हैं, करोड़ों अरबों हैं असंख्य, हर एक को कृष्णा अपनी कृतज्ञता, अपनी आसक्ति, अपनी दया, अपना प्रेम सबको प्रकाशित करते हैं, क्योंकि जितनी गोपियाँ उतने ही स्वरूप का विस्तार भी कर लेते हैं, और सबको लगता है कि सबसे अधिक प्रेम भगवान मुझसे ही करते हैं, उन मेरे से ही उनकी अटैचमेंट है. जैसे एग्जांपल, भगवान जब जाते हैं उधर गोचारण के, थक जाते हैं, अभी सभी गोप तो करोड़ों गोप होते हैं, सभी तो एक पैर नहीं दबाते, प्रभु इतने विस्तार कर लेते हैं अपना रूप का, प्रत्येक गोप रखता मैं ही पैर दबा रहा हूँ, कोई नहीं दबा रहा, सबको यही लगता है मैं ही पंखा करो, कृष्ण मुझसे कितना प्रेम कर, केवल मेरे से सेवा ले रहा है, बाकी किसी से नहीं, सबको ये लग रहा है, सब अपने भी तरीके सेवा करे, लेकिन इस रहस्य को कोई जान नहीं सकता. उसी प्रकार गोपियों के साथ भी कृष्णा प्रेम करते हैं, लेकिन इस रहस्य को कोई जान नहीं सकता कि वो कैसे करें. दिस सर्व्स एज एविडेंस फॉर हंड्रेड्स ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बाय विच पर्सन्स लाइक मी कैन अंडरस्टैंड एंड नो वन एल्स. तो कहते हैं ये जो प्रमाण है इस पर जितनी मर्जी बुद्धि चलाओ, तर्क करो, लेकिन कहते हैं मेरे अलावा इस बात को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि उस लोक को समझने के लिए हमारी बुद्धि भी चिन्मय होनी पड़ेगी, तभी उसको समझ सकते हो. प्राकृतिक बुद्धि से चिन्मय चीज को जीव नहीं समझ सकता, बुद्धि जब तक चिन्मय नहीं बनेगी. भजन करते करते, साधु संग करते करते बुद्धि में जब चिन्मयता आएगी तभी उस चीज को हम समझ सकेंगे, अन्यथा नहीं. इन दैट अबाउट एल्सवेयर इज एट डियर टू मी एज द गोपी. वो लोक है, वो भगवान को उतना ही प्रिय है जैसे गोपियाँ होती हैं. येट व्हेन कृष्णा शो स्पेशल लव फॉर वन ऑफ द गोपी इट देन बिकम्स अपेरेंट दैट शी इज द मोस्ट डियर टू हिम. तो अगर कृष्णा खास प्रेम दिखाते हैं किसी एक गोपी को, वो कौन है, वो है राधा रानी, इससे पता चलता है कि वो उनको सबसे प्रिय है, क्योंकि खास प्रेम उसको दिखाया जाता है, वो है राधा रानी, और उसी को वो पता चलता है कि कितना प्रेम उससे है. All the gopis partake of that exalted and most perfect love. तो जितनी भी गोपियाँ हैं उस प्रेम का आस्वादन करती हैं, उस पूर्ण प्रेम का. And they all constantly know the pleasure of Krishna's never ending chain of pastime. और वो कृष्ण की लीलाओं के रहस्य को जानती हैं, उनकी लीला उन जो कभी समाप्ति नहीं होती हैं, उनका कोई ना कोई लीला नई नई नित्य निरंतर चलती रहती है. उसका क्या आनंद लीला का, वो केवल और केवल गोपियाँ जानती हैं. उस लीला के पीछे क्या रहस्य है वो ही जानती हैं, क्योंकि प्रेमी ही किसी के हृदय के रहस्य को जान सकता है, जो प्रेमी नहीं है उसके हृदय को नहीं जान सकेगा. तो भगवान को जानने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है, प्रेम की आवश्यकता है. प्रेम से आप किसी के भी हृदय की बात को जान सकते हो, बगैर प्रेम के आप किसी के हृदय की बात को जान नहीं सकते. भगवान भी उसी को प्रकाशित करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, वो हरे के आगे अपने आप को नहीं प्रकाशित करेंगे. जैसे आप भी अपने दिल की बात उसे कहते हो जो बहुत आपके करीबी है, सबके सामने करोगे, भगवान भी वैसे ही है. इसलिए मूल में प्रेम ही चाहिए, और दैन्यता ह्यूमिलिटी. जितना अपने को तुच्छ छोटा मानोगे उतनी आप सबकी सेवा कर सकोगे. अहंकार इंसान कभी सेवा करता है, वो सेवा लेता है. जो तुच्छ मानेगा वो सबको श्रेष्ठ मानेगा, सबकी सेवा करेगा, ए भाई है, और सबको मान भी देगा, और मान की चांदी करेगा. हम क्या, उसने मुझे पूछा नहीं, देखा नहीं, बुलाया नहीं, हम चिड़ गुस्सा आ जाता है. यदि हमारे अंदर मान की कामना है, फिर महाप्रभु के श्लोक को तो आप उतर ही नहीं पाए तीसरे श्लोक में. अमान ही न मान दिन की तरह सदारी. जो मान की कामना रखता है और मान नहीं देता वो वैष्णव बना ही नहीं है,
हमें किसी से माननी चाहिए। लोग मुझे बेकार समझे, रद्दी समझे, नलायक समझे, अच्छा है। जब संसार मुझे रद्दी नलायक समझेगा, मेरा त्याग करेगा, तभी तो कृष्ण पकड़ेंगे। लोग मुझे अच्छा मानेंगे तो लोग मुझे जब पकड़ेंगे तो कृष्ण कैसे पकड़ेंगे? हमारे चाहने वाले बहुत है दुनिया में, तो हमको कृष्ण छोड़ देंगे? जब कोई हमें नहीं चाहेगा तभी तो जीव कृष्ण के पास जाएगा, तभी तो कृष्ण हमको पकड़ेंगे। इसलिए हमें इस मान देना, मान तो फ्री में दिया जाता है यार, कौन सा जेब से आपकी पूंजी जा रही है? और अहंकार इंसान को मान मिल जाए तो आपके कई प्रॉब्लम टल जाती, तो फ्री में दे दो मान, जान छुड़ाओ, आपके 10 काम हो जाएंगे। ये क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि हम सब अहंकारी है, हमें मान चाहिए, हम मान देना नहीं चाहते, इससे तो लड़ाई होती है, इससे हमको प्रॉब्लम आती है हर जगह पे, समझे ना? इससे तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सारा खेल क्या है संसार में, मेरी ईगो को पैम्पर करो, यही तो खेल चल रहा है। क्या चल रहा है ना? अगर हम उसके ईगो पैम्पर करते, हमारे 10 काम होते तो कर दो ना फ्री में, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? उसके लिए दैनता चाहिए, मान देने की भावना चाहिए, लेकिन हम अहंकारी है तो हम कैसे कर सकते हैं? इससे निरहंकारी बनना पड़ेगा, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप सेवा कर सकते हो, तभी मान दे सकते हो, तभी महाप्रभु के श्लोकों में आप उतरोगे, नहीं तो नहीं उतरोगे। श्लोक तो सबको रटन है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अनुभूति जब प्रैक्टिकल करने का आता है, हम क्यों बात करें? हम क्यों उसको, उसने मुझे बुलाया नहीं, उसने मुझे देखा नहीं, उसने ऐसे व्यवहार किया, तुम बैठ के भूल गए श्लोक को, श्लोक तो जेब में तुम उतार ही नहीं पा रहे हो, लेकिन तुमको मान की जरूरत है, तो मान देना तुमने सीखा नहीं है। उसने वो किया, उसने वो किया, वैसा किया, तुम्हें सब याद है, कथा क्यों नहीं याद है? मैं कि तुमने कथा को महत्व दिया नहीं, तुमने उसको महत्व दिया, उसको उस चीज का कीर्तन करो, कथा का कीर्तन किया होता तो भूल गया तेरे उस चीज को। कथा याद, कथा के अलावा कुछ याद रखने लायक है? कुछ याद रखने लायक नहीं है। अगर याद है तो आप भक्त बने ही नहीं, अगर सब चीज़ याद है कथा याद नहीं, आप अपना ही पतन करा रहे हो। अपने डाउनफॉल का कारण इंसान स्वयं होता है, दूसरा कोई नहीं होता। वो दुनिया की सब बातें याद रखता है, कथा और भगवान के रूप को छोड़ के, भगवान के धाम को छोड़ के सब को याद है, वो अपना पतन कराता है। नाम रूप लीला धाम याद है और कुछ याद रखने के लायक नहीं है, तभी वो अपना उद्धार कर सकता है, तभी अपना उद्धार कर दे, तो नहीं कर सकता। तो दूसरा पतन का कारण है, हम अपने पतन के कारण है। लोग कह सकते हैं वो बड़ा चतुर है, सबको याद है, लेकिन कथा याद नहीं, धाम याद नहीं, रूप याद नहीं, तो वो महामूर्ख है, शास्त्र की दृष्टि से महामूर्ख है। इसलिए हमको संसार इन मटेरियल आई से नहीं देखना है, शास्त्र की दृष्टि से देखना है। वी हैव टू सी फ्रॉम द आईज ऑफ द शास्त्र, नॉट फ्रॉम द मटेरियल आईज। मटेरियलाइज तो बहुत कुछ दिखाएंगे, ये गलत है वो सही है, लेकिन शास्त्र सही दृष्टि देगा आपको, हर स्थिति में वो कृपा दिखाई देगा आपको, और वो आपको रियलाइजेशन भी देगा। इससे मैंने कहा ना, श्लोक याद होना नॉट अ बिग थिंग, उससे आप ज्ञानी बने हो, भक्त नहीं बनते हो। भक्त कब बनते हो? जब श्रेष्ठ साधु का संग करते हो, साधु से रियलाइजेशन मिलती है। अब आपको हृदय को दिखाते, देख ये तूने पढ़ा, तेरे जीवन उतरा है नहीं उतरा है, ये गलतियाँ तू कर रहा है। हरिनाम करते हो तब भगवान पर निर्भर, हरिनाम जब मेडिसन, हरिनाम की दवाई खाए बगैर आपको क्योर होने वाला नहीं। जितनी बात मर्जी में ऊंची भाषा बोल दो, जितनी मर्जी आप ऊंची भाषा सुन लो, लेकिन जब तक हरिनाम की दवाई नहीं खाओगे आप कथा को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि पात्रता कथा को उतरने के हरिनाम से ही प्राप्त होती है। इससे जो श्रेष्ठ वक्ता होते हैं उनकी प्रार्थना क्या होती है? प्रभु तू मुझे भेज तो रहा है कथा कराने, करारे भेज रहा मुझे, लेकिन ये सब रजोगुणी तमोगुणी लोग हैं, और तेरी कथा सतोगुण से ऊपर है, चिन्हमय है, ये इनको समझ में आएगी क्या? कैसे समझेंगे? प्रभु तेरी भाषा लो नहीं, तू कृपा करेगा तो समझेंगे, मैं तो तेरी भाषा एज इट रिपीट करने जा रहा हूँ, बाकी इनके हृदय में प्रवेश करना तेरी इच्छा और कृपा पर निर्भर है। प्रभु मुझे नहीं पता ये लोग समझेंगे, सर जब इस प्रकार भगवान पर निर्भर होके उसके सिर पर डालोगे तो देखो भगवान कैसे कृपा करके इसके हृदय में उसको समझाते हैं।
कौन वास्तव में जीव भगवान की कृपा से समझता है। अगर कृपा नहीं तो आप वही भाषा बोल रहे हो, सबको समझ भी नहीं आती। जब ये हम अहंकार लेके जाता है, मैं समझाता हूँ, मेरी बात कैसे नहीं मानता है, मेरी समझेगा, मेरे को ना नहीं बोलता है, वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि आप अपना अहंकार लेके जा रहे हो। जब प्रभु को सर पर डाल के जगह प्रभु तू कृपा करेगा तो ये समझेगा, नहीं तो मेरी भाषा कहाँ समझेगा, जो चिन्मय भाषा जो मैं तेरी भाषा बोल। तब फिर जब प्रभु के सर पर दिया, फिर उसका अपना तरीका, उसको मर्सी दिखानी पड़ती, कृपा दिखानी पड़ती है, और फिर वो चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाती है। इसलिए जीव कभी भी अहंकार लेके ये मत जाए कि भाई मैं कथा कर रहा हूँ, मैं समझाने चला हूँ। प्रभु से प्रार्थना करे। लोग तमोगुण प्रधान है, रजोगुण भी कम है, तमोगुण ही ज़्यादा है, थोड़ा बहुत सतगुण तो बिल्कुल ही नहीं किसी के अंदर। ये कैसे समझेगा तेरे चिन्मय शब्दों को? तू कृपा कर, तू दयालु है, करुणा सागर है, तेरी दया बगैर कोई समय, तू करुणा दिखा। और फिर प्रभु करुणा दिखा के, क्योंकि भक्षत भक्त प्रार्थना करा है, करुणा दिखा, तो प्रभु करुणा दिखाते और उसको समझा भी देते हैं। और फिर देख तूने इतने भक्त बनाए, तूने किसने भक्त बनाए, तूने कृपा की प्रभु ने, तब वो भक्त बने। कौन किसको क्या भक्त बना रहा है, सब प्रभु की कृपा ही चल रही है। इसलिए स्वामी महाराज बोलते हैं आश्चर्य ये नहीं कि कितने लोग छोड़ के चले गए आने के बाद, आश्चर्य कि कितने लोग टिके हुए कैसे हैं। कहते जबरदस्त कृपा चल रही है भगवान की, जो टिके हुए हैं। छोड़ के गए तो अच्छी समझ में आता है, लोग आते जाते, जो टिकना है लंबे समय भजन करना है, ये जबरदस्त कृपा है, क्योंकि कलयुग के समय टिकना असंभव, बहुत मुश्किल है। अंडे कॉन्स्टेंट, अच्छा ये सब जानते हैं कृष्ण की लीला को, उनके रहस्य को, येट नन ऑफ द गोपी इवन इमेजिन द कृष्णा स्पेशल लव फॉर हर। फिर भी कोई भी गोपी ये नहीं कहती कृष्ण का मुझसे खास प्रेम है, उसको लगता है कि सबसे प्रेम करते मुझे छोड़ के। ये अभाव ही भगवान के करीब जाने का एक तरीका है कि इंसान और प्रयास करे, और सेवा करो, और सेवा करो, और सेवा करो। Each of them thinks, oh, when will I be fortunate enough to become even the lowest maid servant of Krishna? प्रत्येक गोपी ये सोचती है कब वो समय आएगा, मेरा सौभाग्य होगा जब कृष्ण के दासों के दासों के दासों की सबसे लोएस्ट है उसकी भी मैं दासी बन जाऊँ, तो यही मेरा सौभाग्य। कब वो समय आएगा जब मैं बन जाऊँगी। जो गोलों को धाम में रहती है, नित्य संगी है, उनके इस प्रकार के भाव। और हम हमारा क्या है, ओ मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं, भगवान की दृष्टि मेरे पर नहीं पड़ेगी तो किस पर पड़ेगी, मेरे पर तो पड़ेगी, मेरे कारण से ही तो सब हो रहा है, तो किसी का कारण नहीं है। तो कुछ ये भ्रम जो हमने पाल रखा है इसको हटाइए, इसको तोड़िए कि मेरे कारण कुछ हो रहा है। सबका कारण केवल प्रभु की कृपा ही है, उनकी इच्छा है और कुछ नहीं है, आप किसी के कोई कारण नहीं हो। इसलिए जीव इस अहंकार को अपने हृदय से हटा दे, नहीं तो इसे उसी का पतन होएगा। मैंने इतने बुक्स बांट दी, मैंने इतने डिवोटी बना लिए, मैंने इतनी कलेक्शन कर ली, तो क्या किया गया, प्रभु की कृपा शक्ति पीछे दी चली तेरे, तो तेरी क्या योग्यता तू एक भी कर सके। केवल कृपा शक्ति चल रही है, तेरे को केवल श्रेय और यश प्रभु प्रदान करे और कुछ नहीं है। केवल श्रेय और यश श्रेय वो भी उनकी इच्छा तेरे को मिल रहा है, इसे उसकी उसको तो अपनी विशेषता मत मान। वो कृपा शक्ति जिस दिन हट गई तो एक भी बुक नहीं बांट सकता, एक भी डिवोटी नहीं बना सकता, एक पैसे की तो कलेक्शन नहीं कर सकेगा। सब केवल कृपा से ही हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है, तेरी कोई विशेषता नहीं है। जिसने बोलते ये से ग्रंथ पढ़ने से इंसान की दैन्यता आती है, उसको समझ में आती है बातें, तब जाके ओ माय लॉर्ड इट इज अमेजिंग हाउ इंटेंटली दीज डिवोटीज आर ऑब्जर्व इन दी फैडमलेस रस ऑफ प्योर लव। कहते मेरे प्रभु ये बड़े आश्चर्य की बात है, ये सारे भक्त किस प्रकार मग्न है और शुद्ध प्रेम के अंदर कितने कैसे मग्न है। The exalted nature of their mood is incomprehensible even to the greatest of sages. मतलब क्या, उनके जो भाव हैं जिनमें इतनी दैन्यता है, इतना ज़्यादा प्रेम है, यानी प्रभु का या अपनी आँख का झपकना भी, वो इतना कम समय भी उनको युग के समान महसूस होता है और कोसते कि ये पल के क्यों बना, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे।
एक आंख का झपकना भी, तो सोचो क्या ऊंची स्थिति होगी उन्हें। हमें तो पता भी नहीं कितनी बार हमारी आंखें झपक गई। उनको इतना प्रेम है कि एक आंख भी झपके तो कहता विघ्न पड़े दर्शन के लिए, उनको वो भी युग के समान दिखता, तो सोचो तो हम क्या कल्पना करेंगे। कहते बड़े बड़े ऋषि कल्पना नहीं कर सकते उनके भावों को लेके, उनका जो प्रेम है। और हमारे पास है कुछ नहीं, ओ मैं तो भगवान का प्रेमी हूँ, क्या तुम ही भक्त हो, मैं तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो, मैं तुमसे ज़्यादा प्रेमी हूँ। काहे का प्रेम, क्या वियोग, क्या विरह, कितने नाम में रुचि है तुम्हारी, क्या कथा में रुचि पहले बताओ, क्या तुम्हारा ध्यानित है, काहे का प्रेम। कुछ नहीं है, केवल भ्रम पाल रखा है कि मैं भक्त हूँ, मेरे अंदर बहुत प्रेम है। हर मनुष्य के अंदर यही भ्रम पला कुछ नहीं। जबकि इन क्षेत्रों को पढ़ो तो लगे कि हमने भक्ति में कभी कदम भी नहीं रखा है, आपको ये महसूस होएगा। इनकी स्थिति देखने के बाद तो कम से कम महसूस कर, इस तरह बोलो कथा सुना करो ताकि आपको आपके भ्रम सारे टूटे, अहंकार नष्ट होए और पता चले कि आपकी स्थिति टोटल जीरो है। केवल कंठी पे लेना, माला हाथ पे ले लेना, तिलक धारण करना, गुरु से नाम लेना, मतलब नहीं क्या डिवोटी वर्क। आपने केवल स्कूल में प्रवेश किया, स्कूल में प्रवेश करने से यूनिफॉर्म मिल जाती है। 15 साल पढ़ोगे तो डिग्री मिलेगी, तो अभी कितने आप 6-6, 8-8 घंटे पढ़ते हो, रात भर सोते, एग्जाम है, तो इस पे आपने कौन सी मेहनत की है, कितनी माला की है इसके लिए पहले बताओ। और तुमको प्रेम चाहिए, अरे बगैर मेहनत करे डिग्री लेना चाहते हो, अरे बगैर प्रेम करे, बगैर साधना करे, बगैर हरिनाम करे, बगैर साधु संग करे, बगैर कथा से तुम अपने को ग्रेजुएट मानना चाहते हो, कैसे होएगा। हाँ, जब बोर्ड के एग्जाम होते, यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं, बच्चे 8-8, 10-10 घंटे पर रात भर सोते नहीं है, 2 घंटे मुश्किल सोते हैं, तो कभी प्रभु के लिए कभी कोई जागा, इतनी साधना की है कि मैं माला बढ़ाऊँ, आज माला पूरी करके सो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं हुई। फिर तुमने क्या साधु संग किया है, तो साधु संग करते हम अपनी झूठी प्रशंसा सुन के आते, अहंकार और बड़ा क्या रहते, हम बहुत बड़े भक्त हैं। अरे साधु संग में तो बुद्धि पे प्रहार होता है, साधु संग में तो आपके अंदर दैनता लाई जाती है। इंसान को अपनी कमियां दिखती है, आपको इंसान पूरा नंगा होता है, यह सारी कमियां मेरे अंदर है। हर मनुष्य की सेम प्रॉब्लम है। और जब दैन्यता उत्पन्न होए, भगवान में प्रीति बढ़ने लगे, नाम में रुचि उत्पन्न होए, तो समझो सही साधु संघ है। अगर नहीं है तो वो साधु संघ सही नहीं है। जहाँ पे मेरी प्रशंसा की जाती है, मेरे को अहंकार को पुष्टि, वो साधु संघ नहीं है। वन डे वाइल प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द यमुना लॉर्ड कृष्णा, एक दिन जमुना जी के तट पे कहते हैं भगवान कृष्णा, नंद नंदन हृदय कालिया है कम बैक पूछ ले। उन्हें यह पता चला कि कालिया जो सर पे वापस आ गया उसी हृदय में। कृष्णा रस्ट अलोन स्विफ्टली क्लाइम आ नी पटरी, कृष्ण जी दौड़े अकेले पेड़ पे चढ़े एंड डाइव इनटू द स्प्लैशिंग वाटर ऑन टू द शोर, और उन्होंने छलांग लगाई और उनके छलांग लगे से जल जो था वो जमीन पे आ गया। कृष्णा फ्रॉलिक इन दिस वाटर एंजॉइंग द स्पोर्ट ऑफ स्विमिंग बैक एंड फोर्थ, तो कृष्णा उधर कीड़ा करे थे, जल कीड़ा, कभी इधर तैर के जा रहे थे, कभी उस तरफ तैर के जा रहे थे, एंड मेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाउड नॉइज, हर प्रकार की आवाजें निकाल देते। बट देन ही ड्रू द क्रूअल कालिया, व्हेन ही ड्रू नियर द क्रूअल कालिया एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जब वो काले के पास पहुंचा और उसके ध्यान दे अलाउड हिमसेल्फ टू बी एनवेलप इन द सर्पेंट कॉइल, अपने आप को काले के बंधन में बंध गए, उसे अलाउ किया तो मुझे बांध। कई बात होता जैसे पिता बच्चे का घोड़ा बन जाता है, चल तो मेरे पीठ पे बैठ, क्या वो घोड़ा होता है, क्या जो 2 साल का बच्चा है क्या पिता को घोड़ा बना सकता है, नहीं बना, लेकिन प्रेम के कारण पिता घोड़ा बन जाता और पीछे होता बोलता चल आगे, तो रेड़ते हुए चलता है आगे। तो प्रभु की लीलाएं भी इसी प्रकार है जो अपने भक्तों के साथ करते हैं।
अगर क्या वो अपने ऑफिस पे ऐसा घोड़ा बन सकता है? नहीं बन सकता, घर में बन सकता है। ये ब्रज प्रभु का घर है, इधर ही इस प्रकार की सब लीला हो सकती है जो माधुर्य प्रधान है। द्वारका में नहीं मिलेंगी, मथुरा में नहीं मिलेंगी, केवल ब्रज के अंदर ये माधुर्यता आपको दिखाई देगी। जहाँ पे भक्त प्रभु को आदेश दे सकते हैं, प्रभु अपने आप को बंधवा सकते हैं। When Krishna companion the cowherd boy saw that for no good reason he has gone, they all became as struck down by that. उन्हें समझ नहीं कि क्यों गए हैं, और उन्हें जब कृष्ण दिखाई दिए वो तो ऐसे उस अवस्था में पड़ गए जैसे अभी उनकी मृत्यु होने वाली है। In great anxiety to find him, इतने चिंतित हुए उसको ढूंढने के लिए, they followed his footprints to देख उनके चरण चिन्ह दर्शन करते हुए उस लेक तक पहुँच गए, शरत तक पहुंच गए वो। दीज मैनी यंग फ्रेंड्स वर द सेम बॉयज हु लूजिंग साइट ऑफ Krishna ऑन द फॉरेस्ट पार्ट बट फॉर अ मोमेंट वुड लूज देयर विल टू लिव। कहते यही उनके सखा है जो जब कृष्ण के दर्शन नहीं होते गोचारण के समय या जंगल में जाते थे, एक क्षण भी अगर दर्शन ना हो उनकी इच्छा शरीर त्यागने की तुरंत हो जाती। मैंने क्या करना, कृष्ण के दर्शन एक क्षण भी नहीं अपने प्राणों को त्याग करने के तैयार होते। तो सोचो किस तरह का प्रेम होगा, एक क्षण के भी दर्शन हो तो जो प्राणों को छोड़ सकता है, तो हमारा लेवल क्या है, हम किस दृष्टि से भक्त है मुझे बताओ। भक्त तो ये है जो प्रभु के बगैर रह नहीं सकते। हमें तो फर्क नहीं पड़ता माला हो रही है, कथा हो रही है, नहीं हो रही है, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, छूट गया क्या फर्क, कुछ तकलीफ ही नहीं हो रही हमको। कौन से दृष्टि हम भक्त बने मुझे बताओ। इससे ये सारे भ्रम हम खत्म करें, ईमानदारी से कथाएं सुने, ईमानदारी से खूब हरि नाम करें, और प्रार्थना करें हम अपने गोस्वामियों से, महाप्रभु से, कि हम उस प्रेम के अधिकारी बने। केवल नित्यानंद और महाप्रभु ही हमको उसके अधिकारी बना सकते हैं। महाप्रभु से प्रार्थना करो कि ये भाव हमारे अंदर भी, ये सनातन गोस्वामी का लिखा हुआ ग्रंथ है, इन्हीं से प्रार्थना करो ये भाव हमारे हृदय में प्रवेश करे, और संत की कृपा से ये भाव आएंगे। एंड नाउ व्हेन दे सॉ हिम मोशनलेस दे ऑल फेंटेड। अब जब वो देखते हैं कि भाई भगवान तो मूर्छित जैसे लग रहे, भगवान अभी नहीं करें, तो वो सब के सब मूर्छित हो गए। देखो भगवान कई बार भक्त का प्रेम बढ़ाने के लिए अपने को उस परिस्थिति में डाल देते हैं। प्रभु के होते हुए कोई भी राक्षस ब्रिज में आ सकता है, ना पूता ना तना। जब प्रभु का नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आए, सब दौड़ जाते हैं, तो ये राक्षस कैसे आए? भगवान की इच्छा से आए। और जो जो राक्षस ब्रज में आके मरे वो सब के सब गोलोक में गए और उनके निजी पार्षद बन गए। और क्यों किया, आने दिया? क्योंकि जितने मेरे सखा सखिया उनका ध्यान मेरे प्रति बना रहे, उनका प्रेम मेरे प्रति और बढ़ रहे। अगर ये विपत्ति नहीं आएंगी उनका ध्यान अन्य कामों में लग जाएगा, मेरे से हट जाएगा, मेरा चिंतन कम ना हो, मेरे प्रति प्रेम बड़े घटने के बजाय। इससे जब विपत्ति बार बार आएंगी मेरे ऊपर, तो ये मेरे पर हमेशा चिंतित रहेंगे, और मेरा चिंतन सारे अशुभों को नष्ट करता है। यानी कृष्ण का चिंतन सारे अशुभ को नष्ट करता है और चिन्मय शरीर की प्राप्ति करता है। यही तो चाहते थे कि प्रत्येक जीव मेरा चिंतन करे और उसके सारे अशुभ नष्ट हो जाए। तो वो जो हुई भगवान की इच्छा से हुई है, जो भी राक्षस है भगवान की इच्छा से आया, ये नहीं कि आए तो कंस के भेजे, कोई नहीं आ सकते थे। क्योंकि आप देखोगे कौन से ऋषि हैं, शांडिल्य ऋषि ने श्राप दिया हुआ नंदगांव में कि या बरसाने दोनों जगह, कोई भी राक्षस जब आएगा तो वो पत्थर बन जाएगा। तो वो श्राप दे, कोई राक्षस आए नहीं, हव और बिला दो राक्षस थे वो आए, आते ही वो पत्थर बन गए। उनकी प्रतिमा आज तक हमको नंदगांव में एक दिखाई, चोरियों के एक आदमी दिखाई देती है। यानी किसी राक्षस ने साहस नहीं किया था आने का, समझे ना। तो अगर ये तो चाहे तो कुछ भी कर सकते, ऋषि के हिसाब से नहीं आ सकते, पत्थर बन जाए तो फिर कैसे आ सकते। ये आए भगवान की इच्छा से, केवल भक्तों भक्त मेरे प्रति चिंतित हुए।
जब भक्त भगवान को लेकर चिंतित रहता है वो संसार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है और संसार की चिंताएं उसके पतन का कारण और बीमारी का कारण होती है। भगवान की चिंता उसके उद्धार का कारण होती है, उसके आनंद का कारण होती है। भक्त को चिंता करनी ही चाहिए भगवान को लेके कि उसको कैसे सुख पहुंचाओ, उसको कैसे आनंद दो, उसकी सेवा कैसे करो, ये चिंता होनी चाहिए, तब जाके वो भक्त कहलाता है, अन्यथा वो भक्ति नहीं है। जो भगवान को लेके चिंतित ना होए, उसको सुख पहुंचाने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। और हम तो अनुभव से बता देते हैं, जितना आपका भगवान में प्रीति बढ़ेगी, नाम में रुचि कथा में होगी, प्रेम बढ़ेगा, आप यहाँ भगवान आपके यहाँ से सेवा लेते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कैसे कैसे बड़ी बड़ी आपके यहाँ से सेवा हो रही। आप क्या सेवा करोगे, मैं सेवा करने जा रहा हूँ, मैं सेवा नहीं करनी, जो भी आपके भाव हो, लेकिन जब प्रेम होएगा, आप चाहो या ना चाहो भगवान लेते ही लेते हैं। हम कई बार ऐसी चीज़ें सोचते हैं, ये चीज़ हम मेरे को नहीं करना वो नहीं, लेकिन हम देखते हैं हमारे वश में नहीं, वो चीज़ हो जाती है और आपको यश भी मिल जाता है। हम मैं चाहता ही नहीं वो करना, लेकिन भगवान ले लेते हैं। इसका मतलब सेवा लेना भी भगवान के अधीन है। आप चाहो या ना चाहो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आपसे काम करवाना है, वो कैसे भी करवाएंगे और आप अपने को रोक नहीं पाओगे उस वक्त। ये हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, समय ना बात। हाँ, तो सारा खेल है आपने भजन बढ़ाइए, प्रेम के प्राप्त करने का प्रयास किए, फिर देखते जाओ आप, जब जो घटना जीवन में हो रही है, जैसा हो रहा है, वो केवल और केवल भगवान की इच्छा चल रही होती है हर चीज़ में। ये चीज़ की आपको अनुभूति होगी, जो जो घटना तब आपके जीवन में घटित हो रही है वो भगवान की इच्छा से हो रही है। जब आप नामनिष्ठ हो जाते हो, संडर हो जाते हो, भगवान की कृपा मानते हो, तो आप देखोगे जो कुछ हो रहा है। और हर चीज़ ऐसी सडन होती है, आप सोच भी नहीं सकते हो ऐसा कैसे हो गया। आप कुछ प्लानिंग नहीं कर, आपकी प्लानिंग फेल जा रही, भगवान आपकी प्लानिंग कर रहे हैं और भगवान आपको आगे लेके जा रहे हैं। आपने क्या प्लानिंग करनी, आपने सोचा कुछ होता कुछ और है, इसका मतलब कि प्लानिंग भगवान ने की, और जो हुआ है वो आपने सोचा भी वो बहुत बढ़िया होता है, बाकी प्लानिंग भगवान ने ऑलरेडी किया है। हम चिंतित होते क्या होएगा कैसे होगा, उसने प्लानिंग की। तेरा काम है भगवान का चिंतन करके प्रेम प्राप्ति का प्रयास करना, बाकी भगवान आपकी प्लानिंग करेंगे और सेवा भी वह सब आपसे लेंगे, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ लो। All the village animals, the cows, the bulls, the calves, and also the animals of the forest stood on the shore. कहते हैं गाय, बैल, बछड़े और जितने प्रकार के जो जानवर हैं जंगल में, उस तट पे खड़े हैं, eyes fixed on Krishna पे, सबकी दृष्टि कृष्णा पे लगी हुई है। And the cries made a great roar of suffering, और उनका आंखों में जो आंसू है, जो विलाप हो रहा है, उससे उनके दुख की अनुभूति हो रही है कि कितने ज्यादा कितना विलाप करे, चिल्ला चिल्ला के विलाप करे, उसे पता चलता कितने बेचारे दुखी है। बर्ड्स एग्जॉस्टेड फ्रॉम लाउडली क्राइंग फ्लू प्रेसिपिटियसली इनटू द लेक। जो पक्षियां रो रो के थक गई हैं, वो सेम वो भी वो उसको हरद के अंदर लेक में गिर जाती है, क्योंकि उनसे रोया भी नहीं जाता, थक गए रो रो के, उड़ने की शक्ति नहीं, वो अपने आप गिर गई उसके अंदर। ट्रीज एंड प्लांट्स सडनली ड्राइड अप, पेड़ और पौधे सूख गए। एंड मैनी टेरेबली इन ऑस्पेशल मोमेंट अपीयर, और बहुत से अपशकुन ऐसे होने लगे। Inspired by Lord Krishna from within, भगवान की प्रेरणा से, one old man went running to the cowherd village. एक बूढ़ा आदमी गांव में जाता है। He wept and made dreadful cries of alas alas. वो विलाप करता है और जो जो हाय हाय करता है। And told the cows what is happening. और सारे ग्वालों को बताया कि वहाँ पे क्या हो रहा है। The people of the cowherd village had already noticed many frightening omens. कहते हैं वहाँ पे जंगल में
बहुत से ग्वालों ने, गांव के ग्वालों ने ये अशुभ शकुन उन्होंने ध्यान उनका ज्ञात तो था। कृष्णा बहुत ही सोर्स ऑफ ब्रज गुड फॉर्चून, कृष्ण के कारण ही सौभाग्य रहता है ब्रज में। एंड द कोहर्स फ्रेंटिक विद कंसर्न फॉर हिम, और ग्वाले जिनके भवन के लिए बहुत चिंतित होते थे, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ऑटो से कि वो दौड़े उनको ढूंढने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए। द एडिड फोर्स ऑफ द ओल्ड मैन रिपोर्ट, तो उस बूढ़े की जो बात थी जो उसने कही थी, स्पोकन विद अ वॉइस चोकिंग इन टू हिज थ्रोट, यानी गला रुंध गया, आवाज नहीं निकलती जिस प्रकार वर्णन कर दे, स्टक देम सडन लैक ऑफ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, उन्हें ऐसा लगा कि उनके सर पे बिजली गिर गई है, उनको ऐसा महसूस हुआ। बलराम हुआ सिटिंग इन हिज हाउस, दाऊजी जो घर में बैठे थे, ट्राई टू कंसोल द पीपल ऑफ ब्रजवासियों को सांत्वन देने का प्रयास किया, हुआ रनिंग फॉरवर्ड लाइक लिविंग कॉर्प्स, वो ऐसे दौड़े मुर्दे दौड़ रहे हों ऐसा लग रहा था। दिस कांट बी ट्रू ही क्राइड आउट, दिस कांट बी ट्रू, ये सत्य नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं हो सकता, दाऊजी बार बार कह रहे हैं। बलराम समहाउ टोल्ड हिज मदर रोहिणी आउट ऑफ द न्यूज, बलराम जी ने अपनी माँ रोहिणी को ये खबर सुनाई, गॉट हर टू स्टे बैक टू वॉच द हाउस, उन्हें घर में रोका, घर का ध्यान दीजिए, रैन टू कैच अप विद दोज़ वाले, जो घर छोड़ के दौड़े थे कृष्ण की ओर, उन सबको पकड़ने के लिए दौड़ी अब दौड़े। ही सॉ रीच द लेक, और तुरंत उस हृदय तक पहुंचे, लेक तक पहुंचे, सीइंग हिज यंगर ब्रदर इन सच अ स्टेट, अपने भाई को दशा में देखे, ही कुडंट कीप दिस ग्रेविटी एंड वेप्ट इन डिस्ट्रेस, वो आपकी गंभीरता को रोक नहीं सके, वो भी विलाप किया प्रेम के कारण। एज ही लमेंटेड इन वेज दैट वुड शैटर लॉग्स एंड स्टोन, जब दाऊजी विलाप करते इस प्रकार जिससे पत्थर और लकड़ियाँ टूट जाए, बिखर जाए विलाप के कारण, सडनली ही फेंटेड जस्ट लाइक यशोदा, वो भी मूर्छित हो गए नंद यशोदा की तरह। देन ऑल लिविंग बींग देयर मेड अ ग्रेट एंड टेयरफुल क्राई, जितने भी उधर प्राणी जीवित थे वो सभी विलाप कर रहे हैं, भयानक फुल एग्नी दैट मेड अ होल यूनिवर्स क्राइन पे, जिससे पूरा ब्रह्मांड पीड़ा के कारण रोने लगा। अवेकन बाई दैट तुमल्ट, उस बलराम द मोस्ट डिटर्मिंड ऑफ हीरोज, यानी उस ध्वनि को सुन के जो विलाप की चल रही थी, बलराम जी जिनमें दृढ़ता थी सर्वश्रेष्ठ थे, वे गेट अफोर्स चढ़िया, अपने आप को उन्होंने शांत किया, धीरज बंधाया। अ मोमेंट लेटर कृष्णा पेर अगेन बिकेम कॉन्शियस, एक क्षण में कृष्णा के जो माता पिता उनको चेतना आई, सीइंग देयर सन इन सच अ प्लाइट, अपने पुत्र को दशा में देखकर लेकर लॉर्डली एंड रश टू एंटर लेक, उन्हें जोर से रोना शुरू किया, विलाप किया और उस लेक की ओर दौड़े। बट पावरफुल श्री बलराम हेल्ड देम बैक विद द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्म, क्योंकि बलराम जी बहुत शक्तिशाली, अपने भुजाओं के बल से उन्होंने क्या किया, उन्हें रोक दिया। सीइंग एवरीवन अनकॉन्शियस ऑन द ग्राउंड एज इफ डेड, जब देखा कि सभी लोग मूर्छित हो गए हैं जमीन पे जैसे मरे हुए होते हैं, बलराम वॉज ओवरकम विद सॉरो, बलराम जी बहुत पीड़ित थे, बहुत दुखी थे। हुआ ने इन अ वॉइस चोक विद इमोशन ही कॉल्ड टू कृष्णा, भाव भरे गला रुंधा हुआ था, इन्होंने कृष्ण को पुकारा। श्री बलदेव साहब, बलदेव जी कहते हैं, दीज आर नॉट दी अटेंडेंट्स हु लिव विद यू इन वैकुंठ, कहते हैं ये वो सेवक नहीं है जो वैकुंठ में रहते हैं, दे आर नॉट दी फॉरेस्ट मंकीज, ये कहते हैं ये बंदर वो नहीं है जो जंगल में रहते हैं, दे आर नॉट यादवा, ये यदुवंशी लोग नहीं है, दीज आर योर डिवोटीज और गोलोक, ये तेरे गोलोक के वासी हैं, वो हैव नो लाइफ अदर देन यू, उन जिनके प्राण केवल तू ही है और कोई नहीं है, दे आर डाइंग माई लॉर्ड, देर इज नथिंग आई कैन डू, वो सब मर रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ उनको बचाने के लिए। इसका अभिप्राय क्या कमेंट्री में क्या लिखते हैं,
Here Balaram reminds Krishna that the Golok devotees are different from Krishna, other eternal associates. Golok ke jo vasi hai, wo alag hote hain, unke nitya sangiyon mein se. His Vaikunth Parshad, jo Vaikunth mein rehte hain, these monkeys, soldiers of Ayodhya, jo Ayodhya wale, jo vanar hain, like Hanuman and the Yadus of Dwarka, Yadvansh Dwarka wale hain, like Kudhav, more than all these other devotees, in sab bhakton se, the Golok Vasis are exclusively dependent on Krishna. Kehte Golok Vasis to 100% Bhagwan pe dependent rehte hain, poorn roop se, nirbhar rehte hain. The Lord devotees in Vaikunth, Ayodhya and Dwarka, being always aware of Krishna's omnipotence, wo kehte hain Vaikunth, Ayodhya aur Dwarka ke jo nivasi wo jante hain ki ye Bhagwan hai, wo sarvashaktiman hai, usse takleef nahi aa sakti, wo sab solve kar sakta hai. Unko is baat ka gyan hota hai kyunki wahan pe aishwarya ki pradhanta hai. Many is to tallest separation, wo apne wo vyog ko sahan kar sakte hain, and so they could have responded favorably to Balaram's consoling word. Yaar jab Balaram saantvan de rahe hain to us baat ko wo uska samajh sakte the. But the hearts of those Golok vasis are the under intolerable weights of their prem. यानी ये तो मानते ही नहीं हैं कि कृष्णा भगवान है, इनके लिए तो मेरे प्रीतम है या मेरे सखा है या मेरे पुत्र, ये तीन में से एक भाव रहता है, उनकी रक्षा मैंने करनी है, यानी भगवान की रक्षा मैंने करनी है, यहाँ पे ये चिंता होती है. बाकी सब जगह भगवान रक्षा करेंगे, वो सर्वशक्तिमान है, जब सर्वशक्ति हमें चिंता नहीं करता है. लेकिन ब्रज में तीन भाव है, या सखे भाव या वात्सल्य माधुर्य, क्योंकि दास्य भाव में फिर निर्भरता आती है, तो वो भाव नहीं है, सखे वास्य माधुर. तो भक्त भगवान के लिए चिंतित होता है, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को भूख लगी होगी, वो कैसे भूखे रहेंगे, क्या खिलाना है उनको, क्या पसंद है, कैसे खिलाओ, वो नाटक करते खाते नहीं, उनको कैसे खिलाना चाहिए, या उनकी हर चीज़ की चिंता करते हैं, नंगे पैर गया, गर्मी लग रही है, उसको शरीर का लेपन करना चाहिए, चंदन का लेपन करना चाहिए, गर्मी में कैसे जा रहे हैं. नहीं, भगवान ये नहीं, अपने प्रियतम को सुख पहुँचाने का प्रयास, क्योंकि उधर केवल माधुर्य था और कुछ नहीं है. इसलिए इनके भाव वैकुंठ वासियों से, अयोध्या वासियों, द्वारका वासियों से बहुत अलग है, जो ब्रजवासियों के भाव होते हैं. इधर शुद्ध प्रेम है, उधर ज्ञान मिश्रित भक्ति है, भक्ति प्रेम है लेकिन ज्ञान है कि वो ईश्वर है, तो वहां पे प्रेम थोड़ा घट जाता है, इससे इतनी पीड़ा वहां पे नहीं होती जैसी इधर होती. इधर शुद्ध प्रेम है, ये तो है ही नहीं कि वो कृष्ण भगवान है, वो मेरे पास अपने हैं. इसलिए जो होता है भक्त जो होता है गोलोक में, वो भगवान का पुत्र भी बनना चाहता. क्यों? अगर पुत्र बनेगा तो भगवान अपने बच्चों की चिंता करते हैं, वो भगवान का पुत्र बनाता है और वो भगवान की चिंता करता है, क्योंकि पिता पुत्र की चिंता का पुत्र नहीं करता है, तो मैं भगवान की चिंता करूं, भगवान भी चिंता ना करे, उसके इस प्रकार के भाव थे जो वात्सल्य उस प्रभाव के भाव से चलते हैं. मैं उसका पुत्र नहीं बनना चाहता हूँ, मैं उसको क्यों चिंता दो, उसका अपना पुत्र बन के मैं उसकी चिंता करूंगा. तो यानी ब्रज के भावना बाकी जगह से बहुत अलग होते हैं, ये चीज हमको समझनी पड़ेगी. But the hearts of the Golok Vasis under the intolerable weight of the prem have lost all equilibrium. प्रेम के कारण वो संतुलन खो बैठे हैं. प्रेम के कारण द गोलोक वासिस कैन नॉट एक्चुअली एस्टिमेट कृष्ण पावर. गोलोक वासे पता नहीं कृष्ण में कितना बल है. सो दे आर कन्विंस दैट काले इज अबाउट, उनको लगता है कि काले उनको मार देगा. जैसे बोलते ना कि पुत्र जब पिता की बैठता कंधे पे, तो उसके मैंने घोड़ा बना दिया, गधा बना दिया, और बोलता है देखो मैं अपने पिता से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ. तो यहाँ पे तो ये बहुत सारे ब्रज के अंदर ही रहते हैं कि क्या पिता क्या बच्चे का घोड़ा बन सकता है, या वो पिता के कम शक्तिशाली है बच्चे से, वो तो उठा कर फेंक सकते हैं एक क्षण में बच्चे को एक ही हाथ से. लेकिन प्रेम के कारण वो अधीन हो गया. बस यही प्रेम की अधीनता भगवान के प्रति चिंता पैदा करती है, और ये चिंता बहुत ऊंची अवस्था है.
भगवान को लेके ही जीव को चिंतित होना चाहिए। ऑफकोर्स हम आर्टिफिशियल तो नहीं करें, लेकिन ये सन संकीर्ण भावों को नाम जपते हुए ये भाव में प्रवेश करने के अधिकारी कृपा से मिलेंगे। सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करो, जिन्हें गंध लिखा है, ये गंध मैं समझाऊँ, जब हम सनातन गोस्वामी के जाते हैं भजन कुटीर वगैरह में, चकलेश्वर महादेव या रूप गोस्वामी के या समाधि है जैसे दामोदर मंदिर, हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके ग्रंथ पढ़ने की और समझने की क्षमता दीजिए। मेरे में कोई क्षमता नहीं आपके ग्रंथ को पढ़ सकूं, समझ सकूं और उन भावों को दो, आप कृपा दोगे, बुद्धि दोगे तो ही मैं आपके ग्रंथ पढ़ सकूंगा और समझ सकूंगा और उसकी व्याख्या करूंगा, क्योंकि मैं बद्ध जीव हूँ, कलयुगी जीव हूँ और आप बहुत अपहरण के पार्षद हो, मंजरी हो राधा रानी की, मेरे में क्या योग्यता, आप कृपा करके ग्रंथ को मेरे अंदर प्रवेश कराओगे जाके तो मैं समझा सकूंगा। हम तो यही प्रार्थना करके आते हैं कि जो समझा सकते हैं ये केवल कृपा ही है भगवान की, इन मंजिलों की, संतान सनातन गोस्वामी की, नहीं तो आपकी कोई योग्यता नहीं इन भावों को समझने की या समझाने की। इफ कृष्णा डज नॉट एक्ट सून टू लीव देम सोली दे विल डाई, अगर कृष्णा उनको दुख को नहीं करेंगे दो तो वो शरीर छोड़ देंगे। ओ मर्सीफुल कृष्णा प्लीज गिव अप दिस गेम बिफोर दी डिवोटीज डाई, एक बलराम जी कहते हैं कृष्ण ये खेल खत्म करो नहीं तो ये सारे भक्त ही छोड़ देंगे। अदरवाइज ओ कृष्णा सोल फ्रेंड ऑफ द कहर्ड, आप ही तो ग्वालों के एक सखा हो, या जेंटल हार्ट विल कम टू ग्रीव, आप तेरा हृदय बड़ा कोमल है तो मैं जानता हूँ बलराम जी, तेरे सखा नहीं रहेंगे तेरे को कितनी पीड़ा होगी, तेरे हृदय दुखी होगा, इससे ये लीला इतनी आयता मत बढ़ा कि उनको शरीर छोड़ दे, क्योंकि जब वो शरीर छोड़े तेरे को कितना दुख होगा हमें पता है, तू बहुत कोमल हृदय वाला है। श्री स्वरूप शायद मैंने गोकुमार का नाम स्वरूप हो गया गोलोक पर जाने के बाद, तो कहते हैं द गोपीज क्राइड एलिमेंटेड इन सो मेनी वेस, तो गोपियां भी विलाप कर रही है, रो रही है बहुत प्रकार से, द लिम्स इन टेलिबल पेन, उनके जो अंग है बहुत ज़्यादा पीड़ा अनुभव करें, द हार्ट शैटर्ड बाय सॉरो, उनका जो हृदय है दुख से टूट चुका है, दे फेंटेड एंड फेंटेड, वो मूर्छित हो रही, फिर बार बार मूर्छित हो रहे हैं, एज इफ टू गो टू दी साइड ऑफ द लॉर्ड दे ट्राई टू एंटर दी लेक, तो कहते हैं भगवान के पास जाने के लिए उन्होंने उस हृदय में प्रवेश करने का प्रयास भी किया। सडन लॉस स्टॉप्ड हिज सेल्फ इन्वेंटेड स्पोर्ट, भगवान ने जो लीला खुद रची थी, क्यों, भक्त मेले चिंतित हो, भक्त मुझसे प्रेम बढ़े उनका, ये जो उन्होंने की जो लीला की थी खुद की, एंड फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम दी ग्रिप ऑफ कालियस कॉल, और स्वयं अपने आप को उससे मुक्त कर दिया उस बंधन से, ही क्लाइम्ड अप ऑन द सर्पेंट थाउजेंड ऑफ अप्रेस, और उसके सिर पे खड़े हो गए काले सर्प के, आउटस्प्रेड हुड्स एंड एक्सटेंडेड हिज लोटस आर्म, यानी उनके फन पे खड़े हो गए और क्या किया, अपनी भुजाओं भी उन्होंने फैलाई। टेकिंग होल्ड ऑफ ऑल हिज बिलवड गोपीज एट वन, इन सब गोपियों को एक साथ पकड़ा, कृष्णा ब्रिस्कली रेज देम ऑन टू द हुड्स ऑफ द स्नेक, तो कृष्णा उन्हें उठाते हैं उनको सर्प के सिर पे, दोज हुड्स डिलाइटफुली स्विंग बैक एंड फोर, वो जो सिर था आगे पीछे जो हो रहा था, अपीयर लाइक रोज ऑफ ज्वेल प्लेटफॉर्म, ऐसे कहता कि मणियों का जो प्लेटफॉर्म है, क्रिएटिंग अ मोस्ट इम्प्रेसिव साइट, आगे पीछे हो रहा है, उन्हें आनंद प्रदान कर रहा है, जल कीड़ा खेल रहे हैं। कृष्णा आर्टफुली डांस विद द गोपी ऑन दोज मोस्ट अमेजिंग स्टेजेस, यानी उसके सिर पे कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया, कंपनी पर मैनी क्लासिकल सिंगर एंड म्यूजिशियन, और कहते हैं बहुत से वाद्य बजाने वाले और संगीतकारों के साथ, दस लॉर्ड कृष्णा द सोर्स ऑफ ऑल अम्यूजमेंट, इसलिए कृष्णा जो सब आनंद प्रदान करने वाले हैं, एंजॉयड ही रास पास टाइम, रास लीला का वो आनंद ले रहे हैं, उस रास लीला का आनंद ले रहे हैं। तो ये तो चलो गोलोक धाम में ऐसा किया उधर है, लेकिन ये धरातल पे भगवान ने ये लीला क्यों की थी,
क्योंकि प्रत्येक गोपी की इच्छा थी भगवान के दर्शन करने की, और वो भगवान के दर्शन कर नहीं पा रही थी क्योंकि ब्रज में तो हम देखो कि सब पर्दा होता है, तो दर्शन नहीं कर पाती, उनका बहुत दुख हो रहा था। तो कैसे दर्शन हो इस, और एक साथ कैसे उनको दो, जब इस प्रकार मैं संकट पे आऊँगा सब दौड़ेंगे, और मुझे जब नृत्य करते हुए देखेंगे काले सर पे, तो सब एक साथ मेरा दर्शन कर लेंगे। तो उनको दर्शन देने के लिए ही ये सारी लीला रची गई थी इस धरातल पे। लेकिन उधर तो वह है प्रेम बढ़ाने के लिए की गई, और प्रेम बढ़ाने के लिए और उनके साथ उनके सिर पे नाचे भी, तो इधर लीला का उनका अभिप्राय कुछ और था, उधर कुछ और होता है। तो लीला में तो आनंद लेने के लिए ही होती है, और काय के लिए होती है, प्रेम बढ़ाने के लिए ही होती है। नन एंड अदर्स ऑन द शोर ब्रॉट बैक टू द कॉन्शियसनेस बाय बलराम। तो कहते हैं नंद और अन्य जो थे जो आए थे जमुना जी के तट पे, तो कहते हैं बलराम जी ने उनकी चेतना जागर कराई। गे कृष्णा विद डिलाइट एंड सरप्राइज, उनकी दृष्टि कृष्ण पे पड़ी आनंद के सर और आश्चर्य, ये कर कर इसके नृत्य करे गोपी के साथ नृत्य करे उनके फनों पे, और जल में सर्प आगे पीछे अपना सिर कर रहा है, यानी वो भी भगवान की सेवा ही तो करेगा। देखा जाए तो भगवान के दर्शन में सहायक बन गया, क्योंकि सब गोपी को दर्शन करा दिए अगर देखा जाए तो एक दृष्टि से, और उनको अपने ऊपर बिठा के, तो जिसके सिर पे कृष्ण के चरण पड़ जाए कितना भाग्यशाली होएगा, कृष्ण जिसके सिर पर नृत्य कर रहे हैं। हैविंग द सबदू द किंग ऑफ श्री कृष्ण ग्रीनिंग सीज द शॉल्स ऑफ द सर्पेंट वाइफ, तो कहते हैं उसको जब उनको अधीन कर दिया, इसको कंट्रोल किया, दबा दिया, सबदू किया काली को, उसका दमन करने के बाद कृष्णा गिरिंग हंसते हुए उन सर की पत्तियों के शॉल को छीना। दी नाग पत्नी हुवर ऑफरिंग हिम प्रेयर, वो नाग पत्नी हैं जय वो भगवान की उपासना उनकी स्तुति करिए। फ्रॉम दीज गारमेंट्स ही मेड अ लॉन्ग रेन एंड विद लेफ्ट हैंड प्लेफुली पियर्स एंड थ्रेड काले नोज, वो कहते हैं उनके वो शॉल को लेके वस्त्र को लिया और उसने क्या किया, अपने बाएं हाथ से उसने उसके नाक को बांध दिया। माउंटिंग द सर्पेंट लाइक अ हॉर्स, जैसे इन घोड़े पे सवार है वैसे वो सर पे सवार हुए। कृष्णा टफली ड्रोव हिम फॉरवर्ड, उसे आगे दौड़ाया। ऑल द वाइल हमेशा वाइल इज राइट हैंड हैप्पली प्लेड अ फूल, और दाहिनी उंगली से बांसी बजा रहे थे, और वो जैसे घोड़े के लगाम पकड़ते ना, तो उन वस्त्र लिए जो गोपी उनके पत्नियों से और उसके नाक पे बांधा, उसको भगा रहे हैं और बांसी बजा रहे हैं, और वो पकड़ते वस्त्र पकड़ते हुए। कल्पना को क्या दृश्य है आंखों के सामने देखिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम कृष्णा फोर्सफुली अर्ज कालिया ऑन विद द फ्लूट एज इफ इट वर ए व्हिप, तो कहते समय समय पे वो जोर से काले को भगा रहे थे और अपनी बांसी बजाते, और जैसे कि उसको कोई चाबुक मारे हो। दस ही शॉवर्ड ग्रेट पर्सन कालिया पर मेकिंग द सर्पेंट इज काले, एक्चुअली उन्होंने काले पे बहुत कृपा की, उसे अपना वाहन बना के खेले दौड़े उसके ऊपर और सबको आनंद प्रदान किया, वास्तव में कृपा की। द नागपत्नी ऑफर्ड कृष्णा क्लोदिंग फ्रेग्रेंट पे, नागपत्नी ने कृष्ण को क्या दिया, वस्त्र दिए, पेस्ट दिए खुशबूदार, फ्लावर गाले हार दिया एंड प्लास्टर ज्वेल्स, और बहुत सी मणियाँ दी, ऑर्नामेंट्स गहने दिए, एंड कृष्णा प्लेस दम ऑन द सर्पेंट्स, और उन्हें सर पे उन सबको रखा। कथा हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। वांछा कल्पत्रु भैश्च कृपा सिंधु भैश्च पतितानं पावने वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे।